नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात करेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की, जिन्होंने शकूर बस्ती जाकर वहां के हालात का जायजा लिया। राहुल गांधी ने पैदल ही घूमकर पूरी बस्ती का जायजा लिया। इस दौरान राहुल गांधी को विरोध का सामना भी करना पड़ा। हम आपको यहां तस्वीरें दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनके बीच कुछ धक्का मुक्की भी हुई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगा रहे थे। आप तस्वीरों के जरिए यहां समझने की कोशिश कर सकते हैं, इससे पहले शकूर बस्ती में झुग्गियां तोड़े जाने को लेकर राहुल गांधी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं वो संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के नीचे धरना आखिर क्यों दे रहे हैं, जबकि ये जो भी कुछ हुआ है उन्हीं की सरकार में तो हुआ है, उन्हीं की सरकार में तो इन झुग्गियों को तोड़ा गया। तो ये सीधी तस्वीरें हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर थोड़ी देर पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो पहले से ही यहाँ पर अपना अड्डा जमाए हुए हैं वो यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंचे थे वहाँ पर, तो इस दौरान वो उनसे धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। कांग्रेस उपाध्यक्ष जब पहुंचे वहां पर राहुल गांधी तो राहुल वापस जाओ के नारे भी लगाते हुए नजर आए, और उससे ठीक पहले एक जो वार पलटवार का दौर शुरू हुआ था वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा कि आखिर क्यों उनके सांसद इस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हीं की सरकार के दौरान तो जब वो खुद सत्ता में है तभी तो ये सब हुआ, तो फिर ये सब ड्रामा क्यों, फिर ये सब धरना प्रदर्शन आखिर क्यों। तो वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ठीक उसके बाद पलटवार करते हुए राहुल गांधी के लिए लिखा कि राहुल गांधी तो अभी बच्चे हैं, उन्हें शायद बताया नहीं गया है कि रेलवे जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर नहीं आती है, केंद्र सरकार के अंडर आती है। वार पलटवार का ये दौर लगातार जारी है, और इधर कांग्रेसी नेता प्रियंका चतुर्वेदी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। प्रियंका जी, राहुल गांधी का काफी ज्यादा विरोध वहां पर हुआ है, कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं तो आम आदमी पार्टी से कहना चाहूंगी कि विरोध करने की बजाय जो लोग वहां पे पीड़ित हैं, जो बगैर छत के सो रहे हैं, उनकी तरफ काम करें, उनकी सेवा के लिए काम करें, ना कि विरोध का काम करें। ये आम आदमी पार्टी का काम रहा है और भारतीय जनता पार्टी का भी काम रहा है कि गरीबों पे अपनी सियासती रोटी सेकते हैं और वही हम देख रहे हैं। प्रियंका जी, आप मेरे साथ बने रहिए, आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सिंह जी, क्यों राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं आप? प्रियंका चतुर्वेदी जी आप पर आरोप लगा रही हैं। नहीं, इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कौन कर रहा है ये सबको दिख रहा है। जो मोदी सरकार की कार्रवाई है, रेलवे की कार्रवाई है, उस पर अरविंद केजरीवाल को निशाना साध रहे राहुल गांधी, तो ये तो सबको समझ में आ रहा है कि राजनीति कौन कर रहा है। दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने, उप मुख्यमंत्री ने सुरेश प्रभु जी से बार बार अनुरोध किया, पत्र लिखा, सब कुछ कहा कि आप इस तरह से गरीबों को उजाड़ने की कार्रवाई ना कीजिए। बावजूद इसके मोदी की पुलिस और रेलवे विभाग दोनों ने गरीबों को उजाड़ दिया, गरीबों को बेघर कर दिया, और इस पर राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के ओर निशाना साध रहे हैं, उनको मोदी अच्छा। की लेकिन आप क्या कर रहे हैं सर, आप लोगों को क्या पहले इस बाबत जानकारी नहीं थी? आपको भी तो 20 दिन पहले से पता था ना नोटिस, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक रात भर में ये हो गया, नोटिस बकायदा बराबर दिए गए, आपको पहले से पता था, संज्ञान में था, तब क्यों नहीं आपने कोई स्टेप उठाया जब आप आज इस तरह की बात कर रहे हैं? किसी झुग्गी को उजाड़ने के पहले पुनर्वास की व्यवस्था करनी होती है। आपको ये पता है कि टर्मिनल के नाम पे ये लोग झूठ बोल रहे हैं, टर्मिनल का कोई नक्शा एमसीडी डीडीए कहीं से पास नहीं हुआ। आपको ये पता है कि रेलवे विभाग से बार बार मीटिंग्स करके दिल्ली की सरकार ने अनुरोध किया था कि आप इस प्रकार की कार्रवाई मत कीजिए, तो ये सारे भी आपको रखने चाहिए जी। प्रियंका जी, आपने सुना, कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे आप संजय सिंह जी की बात? आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 9 महीने पहले इसका नोटिस आया है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के ऑफिशियल्स को इसका ज्ञान था, जो कि आपके अंडर में आती है। आपके चीफ मिनिस्टर 12 घंटे के ऊपर, जब तक ये डेमोलिशन चल रहा था, ड्यूसिप के ऑफिशियल्स वहां पर थे, आपके चीफ मिनिस्टर 12 घंटे बाद वहां पर पहुंचते हैं, फिर बात उठाते हैं सुरेश प्रभु इन सब की। आपसे भी पूछना जरूरी है, आपसे भी पूछना ये ज्यादा जरूरी है कि आप लोग 9 महीने से क्या कर रहे थे? आप आज गरीबों की हित में बात कर रहे हैं, पिछले 9 देखिए ऐसा है सिंह साहब, मैं आपकी बात सुन रही थी। अगर आप इस तरीके से कुछ करेंगे, आपकी अगर
बात सच्चाई सामने आती है कि आप लोग किस तरीके से सियासी कर रहे हैं। साफ तौर पे दिख रहा है, और जहां सुखी वहां मकान, ये मोदी का भी नारा रहा है, कांग्रेस का भी नारा रहा है। अब ऐसा है, लोगों को पक्के मकान नहीं मिल पाए। साहब सिंह साहब, आपको सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। संजय जी, लेकिन क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? सरकार किसकी है दिल्ली में? इसमें टोका टाकी ना करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। जी प्रियंका जी, आप बोलिए। आप उनसे कहिए कि जब मैं वो बोल रहे थे, मैं सुन रही थी, जब मैं बोल रही हूँ तो बीच में टोका टाकी ना करें उनसे, क्योंकि आपके गवर्नमेंट का फेलियर है, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। आप लोगों ने आज गरीबों के हित में लड़ाई लड़ने की बात की, उनसे वोट बटोरे, आज उनके घर टूट रहे हैं, 9 महीने से आप उस पर चुप बैठे हैं, किसी तरीके का काम नहीं किया, 12 घंटे चीफ मिनिस्टर चुप बैठे हैं, डेमोलिशन होने दिया, एक बच्चे की जान चली गई उसमें, वो देखते रहे। जैसे ही हमने आवाज उठाई है तब आप आकर आवाज उठाते हैं। सरकार में है क्या? सिर्फ दोष ढूंढने में लगे रहते हैं। कब जिम्मेदारी लेंगे आप? आपके हमने पहले भी देखा था, अभी भी देख रहे हैं, हर टाइम आप आम आदमी पार्टी ने दूसरे पे आरोप लगाकर अपनी नाकामियां छुपाने की कोशिश की है। प्रियंका जी, आपकी बात का जवाब सुन लेते हैं। संजय जी कुछ कह रहे हैं। जी संजय जी, सफेद झूठ क्यों बोल रहे हैं चैनल पे? गृह मंत्री हमारे सत्येन जैन मौके पे पहुंचे थे, वो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप पांडे वहां पहुंचे थे। आप लोगों को तो मीडिया वालों को भी पता चला अरविंद केजरीवाल के ट्वीट से। अरविंद केजरीवाल ने जब बताया लोगों को तब जानकारी मिली किस तरह से वहां बेरहमी से लोगों को उजाड़ा जा रहा है। आप झूठ क्यों बोल रही है टीवी चैनल पर? सिंह साहब, दर्द होता है जब आप जैसे लोग सियासत में रहकर झूठ बोल देते हैं, आप अपने चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, देखिए यही तो तकलीफ है, सुनने की आपको हिम्मत नहीं है। सच्चाई देश के सामने जाए वो सुनाने की आपको हिम्मत नहीं है, सिर्फ राजनीति करने के लिए आप सरकार बनाए हुए हैं। मैं एक मिनट आपको रेक जी, प्रियंका जी आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकती हैं। चलिए, तो यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी जो कि यहाँ पर आरोप लगा रही थी साफ तौर पर आम आदमी पार्टी पर, और वहां अपनी पार्टी का बचाव करते हुए संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए थे, दोनों का ही हम शुक्रिया यहां पर करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं शकूर बस्ती की, जब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यहां पर पहुंचे थे। ये धक्का मुक्की जो आप यहां पर देख रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, दोनों आपस में इस दौरान भिड़ गए, और साथ ही साथ यहां पर राहुल गांधी वापस जाओ के नारे भी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार लगाते रहे।